এক আজব কাইদা। এই দৃশ্য দেখিলে আপুনিও হতবাক হব। পুৰণি ঘৰখনৰ প্ৰতি আমাৰ সকলোৰে থাকে যথেষ্ট মৰম। এই ঘৰ কেতিয়াবা চাপৰ হৈ যোৱাৰ বাবে ভাগি দিবলগীয়া হয়। এই কামে আমাক যথেষ্ট মনোকষ্ট দিয়ে। কিন্তু এতিয়া আৰু চিন্তা নাই। এই প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰেৰে আপুনিও পুৰণা ঘৰখন ওখ কৰি ল'ব পাৰিব। এবাৰ অসমলৈ আহিছে এই প্ৰযুক্তি। এই প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগেৰে চাপৰ ঘৰখনত থকাৰ উপযোগী কৰি ল'ব পাৰে। বাক্সাৰ বৰমাত হৰিয়ানাৰ পৰা অহা এটা প্ৰতিষ্ঠানে এই প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰেৰে পুৰণি পকী চাপৰ গৃহ ওখ কৰাৰ কাম চলাইছে। আগতে নিজ চকুৰে নেদেখা এই প্ৰযুক্তি চাবলৈ আহিছে বহুজন। কেৱল ঘৰ ওখ কৰাই নহয়, এটা ঘৰ আন ঠাইলৈও নিব পাৰিব এই প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োগেৰে। कंपनी का नाम बोलिए। सतगुरु बिल्डिंग लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। कर रहे काम अब तक कितने? कम से कम लाइफ टाइम हो गया, पूरी जिंदगी निकल गया। काम में हो गया कोई तकरीबन 10-12 का। कॉन्ट्रैक्ट ये जैसे काम हो गया, काम से काम निकलता है। जैसे पीछे काम किया, वहाँ से गए अंकल जी, उन्होंने वहाँ से कार्ड लिया। उसका गारंटी होता है क्या? हाँ, लाइफ टाइम इतना काम होता है उतनी जगह लगा लेते हैं। जैसे चार शहर चल गई तो कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा आगे से आगे होता है। ऐसे जैसे मान लो एक घर उठ गया, उससे दूसरा करेगा, वो देखेगा उसको, ऐसे होता है। बिल्डिंग लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा। आप लोग कहाँ का है? हरियाणा डिस्ट्रिक्ट अम्बाला। हरियाणा में तो बहुत किया, बहुत ज्यादा। आसाम में कैसा है? आसाम लोगों को भरोसा हो गया, कुछ हो सकता है? हाँ, पूरा भरोसा है। जिसमें पानी घुसता है नीचे हो जाते हैं रोड लेवल से, वो शिफ्टिंग भी हो सकता है। अगर शिफ्टिंग कराना हो, लिफ्टिंग तो होता ही है। ये बहुत बड़ा शिफ्टिंग हो सकता है। कितना जगह होगी बिल्डिंग जाने के लिए? कितने के बाद ही पता चलता है कितना बड़ा घर है। हाँ, ये 250 रुपये स्क्वायर फुट है, 250 रुपये।